गुड मॉर्निंग गाइज मेरिडियन कॉमर्स क्लासेस में मैं कुलदीप जांगिड़ आपका स्वागत करता हूं आज हम देखने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या देखने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे पहले देखेंगे अपन फ्लो का मीन्स फ्लो इसे हिंदी में बोलते हैं प्रवाह प्रवाह कोई भी वस्तु आ रही है जा रही है मीन्स इनफ्लो एंड आउटफ्लो इनफ्लो एंड आउटफ्लो फ्लो देख लिया अपन ने इनफ्लो और आउटफ्लो आना और जाना किसका कैश का और इससे ही अपन अगर एक स्टेटमेंट में शो कर सकते हैं हम अगर स्टेटमेंट में शो कर देते हैं तो वो क्या कहलाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को आप अगर स्टेटमेंट में शो करते हो तो वो क्या कहलाएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट क्रिएट करने के दो मेथड बताए गए यहां पे कैश स्टेटमेंट के मेथड कितने है? दो हैं दो मेथड बताए हुए हैं फर्स्ट डायरेक्ट मेथड और सेकंड इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड को सॉल्व करने के लिए अपने को कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ती है उन एक्टिविटीज से पता चलता है कि कितना कैश का फ्लो हुआ है मीन्स इनफ्लो आउटफ्लो हुआ है डायरेक्ट मेथड में एक एक्टिविटी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनडायरेक्ट मेथड में भी एक्टिविटी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी दोनों में मैंने अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों में ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है ओके देन आफ्टर इन दोनों में ही आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और इन दोनों में ही आती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी ओके मींस दोनों मेथड में ओवरऑल तीन एक्टिविटी होती है ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी रिलेशन रखती है एक्सपेंसेस से नॉन कैश एक्सपेंसेस हो सकते हैं कैश एक्सपेंसेस हो सकते हैं वो डिपेंड करता है मेथड पे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी रिलेशन रखती है एक्सपेंसेस प्लस करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ से ऑपरेटिंग एक्टिविटी किससे रिलेशन रखती है एक्सपेंसेस प्लस करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रिलेशन रखती है फिक्स्ड एसेट्स से फिक्सड एसेट्स से पैसा आता है तो एड जाता है तो लेस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रिलेशन रखती है फिक्सड एसेट से और फाइनेंसिंग एक्टिविटी रिलेशन रखती है फिक्सड लाइबिलिटी या जिसे कह सकते हैं अपन आउटसाइड लाइबिलिटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी रिलेशन रखती है किससे फिक्सड लाइबिलिटी या आउटसाइड लाइबिलिटी तो ये एज ए कैश फ्लो का फॉर्मेट है जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड है ऑपरेटिंग एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी सबसे पहले अपन देखने जा रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ठीक है सबसे पहले अपन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या चलो ठीक है अपन इन्वेस्टिंग ना देख के अपन इनडायरेक्ट मेथड को सबसे पहले देखते हैं इनडायरेक्ट मेथड ओके इनडायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने का तरीका मोस्टली कवर होता है इनडायरेक्ट मेथड जिसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी थोड़ा सा टेढ़ा काम है निकालने का क्योंकि इसमें अपने को एडजस्टमेंट थोड़े से ज्यादा करने पड़ते हैं क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग तो डायरेक्ट में भी सेम है इनडायरेक्ट में भी सेम है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए अपने को एक स्टेटमेंट शो किया हुआ है स्टेटमेंट के लिए बताया हुआ सबसे पहले नेट प्रॉफिट लेना है अपने को सबसे पहले नेट प्रॉफिट लेना है ठीक है देन आफ्टर एड करने हैं नॉन कैश एक्सपेंसिस और लॉसेस नॉन कैश एक्सपेंसिस और लॉसेस लाइक डेप्रिशिएशन अमोर्टाइजेशन देन आफ्टर गुडविल राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेज राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अगर कोई इंक्रीज होता है जनरल रिजर्व तो वो यहाँ पे आ जाएगा कोई भी रिजर्व क्रिएट करते हैं तो वो आ जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्सड एसेट्स प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ओके तो ये क्या नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं फिर लेस होता है नॉन कैश प्रॉफिट और इनकम नॉन कैश प्रॉफिट और इनकम क्या होता है लेस होता है जस्ट जैसे यहाँ पे देखा गुडविल राइट ऑफ होती है इंक्रीज हो जाता है जनरल रिजर्व इंक्रीज होता है तो यहाँ पे आएगा डिक्रीज हो जाता है रिजर्व खत्म किया तो यहाँ पे आ जाएगा लॉस ऑन सेल एसेट्स एड होती है तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स लेस हो जाएगा ओके okay. ये करने से आपके पास में जो डेटा आएगा इसे कहेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस इससे क्या कही कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैसा आएगा वर्किंग कैपिटल चेंजेस वर्किंग कैपिटल फॉर्मलाइ वर्किंग कैपिटल का ये होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी मीनस वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैसा शो करना है करंट एसेट्स वर्किंग कैपिटल में दो फैक्टर होते हैं एक तो करंट एसेट्स दूसरा होता है करंट लाइबिलिटी तो सबसे पहले करंट एसेट्स के लिए देखते हैं करंट एसेट्स में नेगेटिव नेचर होता है नेगेटिव नेचर होने का मतलब है कि अगर करंट एसेट्स इंक्रीज होती है तो वर्किंग कैपिटल में आपको वो डेटा को क्या करना है लेस करना है करंट एसेट्स इंक्रीज होती है तो क्या होगा लेस होगा करंट एसेट्स अगर डिक्रीज होती है तो नेगेटिव नेचर का मतलब क्या है डिक्रीज हुआ तो एड करेंगे इंक्रीज हुआ तो लेस करेंगे फिर है करंट लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी में होता है पॉजिटिव नेचर करंट एसेट्स में कौन सा नेचर होता है नेगेटिव नेचर होता है करंट लाइबिलिटी में होता है पॉजिटिव नेचर पॉजिटिव नेचर का मीन्स है कि अगर करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो ऐड डिक्रीज होगी तो लेस ये ट्रीटमेंट करना है मीन्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिल्कुल सिंपल एक्टिविटी होती है बिल्कुल ईजी एक्टिविटी होती है जिसमें नेट प्रॉफिट लिखना है ये एडजस्टमेंट करना है नॉन कैश एक्सपेंसिज है तो एड प्रॉफिट है तो लेस देन आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस करना है करंट एसेट्स है तो नेगेटिव नेचर करंट लाइबिलिटी है तो पॉजिटिव नेचर इंक्रीज है तो करंट एसेट्स इंक्रीज है तो लेस डिक्रीज है तो एड इस तरीके से शो करना है देन आफ्टर लास्ट में आपको इनकम टैक्स पेड ये इनकम टैक्स पेड आ जाएगा तो आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर आ जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपके सॉल्व हो जाएगी लास्ट में आपको टैक्स पेड करना है ये भूल जाते हैं मोस्टली तो भूलना मत आप आपको क्या करना है इनकम टैक्स पेड हमेशा करना ही है अगर शो क्वेश्चन में शो हो तो ओके okay, ये आपके क्या हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी सॉल्व हो गई अब अपने को क्या देखना है अपने को देखना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इंट्रो में अपन ने देखा था इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का रिलेशन होता है फिक्स एसेट्स से फिक्स एसेट्स मीन्स फिक्स एसेट्स से अगर पैसा आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना कैश का फ्लो कैश का इनफ्लो है पैसा आता है तो ऐड होगा पैसा कहाँ से आएगा फिक्स एसेट्स से कहाँ से आएगा सेल ऑफ फिक्सड एसेट्स फिक्सड एसेट्स सेल करेंगे तो पैसा आ जाएगा तो ऐड करना है फिक्स एसेट्स में सेल ऑफ़ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट सेल करेंगे तो पैसा आ जाएगा अब इन्हीं के अगर रिवर्स चल जाते हैं कैसे कि अगर इनको परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा परचेज ऑफ फिक्ड लेस करेंगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस करेंगे ठीक है मतलब सिंपल सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है चाहे डायरेक्ट मेथड हो चाहे इनडायरेक्ट मेथड हो किसी भी मेथड में ये एक्टिविटी सेम बनती है आपका हो सकता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी थोड़ा सा गलत आ जाए लेकिन अगर ये एक्टिविटी आपने सही बना ली तो इस एक्टिविटी के मार्क्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे और सिंपल सा है सेल करता है तो पैसा आएगा एड कर देंगे परचेस करता है तो पैसा जाएगा लेस कर देंगे दो चीजें जिसका अपने को ध्यान रखना है दो चीजें कौन सी इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड जैसे ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी खत्म होगी इन दो का नाम लेना ही है राम नाम लेते हैं ना इन दो का नाम लेना ही है इंटरेस्ट रिव्ड होगा इंटरेस्ट का नाम लेना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी खत्म हो गई इंटरेस्ट है क्या क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में रिसीवड हुआ है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में और अगर पेड हुआ है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये दो काम अपने को करना है इंटरेस्ट और डिविडेंड के लिए अगर रिसिव्ड हुआ है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में और अगर पेड हुआ है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिसिव्ड है तो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से इन्वेस्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अपने पास कंप्लीट आ जाएगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो इनडायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटी थोड़ा सा निकालना थोड़ा सा टेढ़ा काम है लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकाल के मार्क्स तो ला सकते हैं अपन आराम से ला सकते हैं इसी तरीके से फाइनेंसिंग एक्टिविटी पहले देखा था अपन ने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिलेशन होता है फिक्स लाइबिलिटी या आउटसाइड लाइबिलिटी का मतलब जैसे ही फाइनेंसिंग का नाम आए आपके माइंड में बैलेंस शीट आ जानी चाहिए बैलेंस शीट में लाइबिलिटी आ जानी चाहिए फिक्स लाइबिलिटी जैसे शेयर कैपिटल है शेयर कैपिटल फ़िक्स लाइबिलिटी है अगर शेयर कैपिटल इशू करेंगे ईशू ऑफ शेयर तो शेयर जाएंगे पैसा आएगा पैसा आएगा तो ऐड हो जाएगा अब पैसा आ रहा है एक पैसा फिक्स टाइम के बाद में रीपेमेंट करना पड़ता है जैसे आप बोलते हो रिडम्पन अगर रिडम्पन करेंगे तो पैसा जाएगा रिडम्शन ऑफ शेयर्स ये तो शेयर की बात हुई। अगर डिबेंचर भी होता है तो वो भी इसी तरीके से अगर डिबेंचर इशू करेंगे तो पैसा आएगा तो ऐड हो जाएगा डिबेंचर का रिडम्शन होगा तो पैसा जाएगा तो लेस कर देंगे लोन लेंगे तो क्या होगा पैसा आएगा लोन टेकन पैसा आएगा और वापस लोन का रीपेमेंट करेंगे तो पैसा चला जाएगा ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो गई अपने अब दो बातें मैंने बताई थी अभी इन्वेस्टिंग में कौन की एक तो इंटरेस्ट एक डिविडेंड वहाँ पे रिसीव्ड था यहाँ पे अगर पेड होगा तो इंटरेस्ट पेड होगा पैसा चला जाएगा लेस कर देंगे डिविडेंड पेड पैसा चला जाएगा तो लेस कर देंगे इस तरीके से आ जाएगी अपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी तीनों एक्टिविटी आने के बाद ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों एक्टिविटी आने के बाद अपने को क्या करना है कि तीनों एक्टिविटी को काउंट करके यहाँ पे लिख देना है कैसे कि पहले नंबर पे ए पे आया था ऑपरेटिंग प्लस बी पे आया था इन्वेस्टिंग प्लस सी पे आया था फाइनेंसिंग यहाँ पे लिख देना है और ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आंसर क्वेश्चन में दिया वही होगा तीनों को जोड़ना है एड कर देना है ओपनिंग कैश बैलेंस इसमें ओपनिंग ऐड कर देंगे तो आपके एसेट साइड में जो कैश दिया हुआ होगा क्लोजिंग कैश बैलेंस आपके आ जाएगा क्लोजिंग कैश आ जाएगा ये अपने को देखना है मतलब आंसर वहीं पे दिया हुआ होगा अपने को तो एडजस्टमेंट करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का जिससे जो पी एंड एल से रिलेशन रखता है एक्सपेंसेस से रिलेशन रखता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जैसे इन्वेस्टिंग का नाम आता है ना फिक्स्ड एसेट्स में नजर जानी चाहिए सीधी फाइनेंसिंग एक्टिविटी जैसे ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी का नाम आता है सीधा अपनी नज़र जानी चाहिए फिक्स लाइविलिटी पर तीनों एक्टिविटी को कंप्लीट करने के बाद में ऐड करके तीनों को ओपनिंग कैश बैलेंस जोड़ देना क्लोजिंग कैश बैलेंस आ जाएगा दस मिनट का ये क्वेश्चन होता है जिसके लिए आपको एग्जामिनर 20 बीस से पच्चीस मिनट देता है करने के लिए इजी क्वेश्चन है सारे मार्क्स आप आराम से ला सकते हो इसमें ओके